दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में आप पार्टी समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के सामने हाथों में हथकड़ी पहनकर अनूठे अंदाज में अपना विरोध जताते हुए मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया है। केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीजेपी कार्यालय से हटाया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता बिट्ठल मार्केट की ओर नारेबाजी करते हुए कूच करने लगे, जिन्हें पुलिस ने सुभाष स्कूल चौराहे के पास ही रोककर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार की तानाशाही के चलते उन्हें प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से शफीक खान की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।